हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 24 जुलाई 2023 के लिए। तो चलिए जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा के और अपस्टॉक्स ही दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इन्फोसिस में आज के दिन क्या हुआ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन स्टॉक में हमें देखने मिला 8.13% का नेगेटिव मूव। 1331.60 पर क्लोजिंग हमें देखने मिल रही है। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई पॉजिटिव मूवमेंट आने वाली है उस बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर आपको मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा ओपिनियन भी देंगे। तो चलिए जाते हैं वनडे के चार्ट में बात करते हैं आने वाले दिनों में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वनडे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा। मैं बात करूँ वॉल्यूम की, हाई वॉल्यूम आज के दिन देखने मिल रहा है। कैंडल मीडियम साइज की बनी है, ऊपर की समय छोटी सी, नीचे सर में बारीक सी विक देखने मिल रही है। बहुत ही बड़ा गैप डाउन यहाँ पे आप देख सकते हैं ओपनिंग देखने मिला है। कल के दिन स्टॉक का हमने एनालिसिस वहाँ पे आपको बताया था। अर्निंग्स की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जो यहाँ पे प्रेशर में रह सकता है। तो स्टॉक का जो ऑलरेडी जो है यहाँ पे ADR जो है यहाँ पे नेगेटिव में चल रहा था, इसकी वजह से यहाँ पे हमें इंडियन स्टॉक मार्केट में भी जो है यहाँ पे स्टॉक जो है अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग होते हुए देखने मिले। लेकिन तुरंत यहाँ पे जो है जो ओपनिंग के साथ जो है यहाँ पे आया था थोड़ा सा नीचे जाके फिर ऊपर के साइड में हमें आते हुए देखने मिला है। यहाँ पे फिलहाल जो है अभी भी स्टॉक में ट्रेंड पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव ट्रेंड में मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगा इंट्राडे में जितना हो सके बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि वहीं पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में होगा और वहीं पर हमें प्रॉफिटेबिलिटी देखने मिलेगी। RSI अराउंड जरूर 46-47 के आसपास जो स्लाइड हमें पॉजिटिव मूवमेंट का इशारा देता है, तो यहाँ पे उसको भी आप जरूर जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव मूव का एक्सपेक्टेशन दे रहा है। लेकिन कई और फैक्टर्स होते हैं उसे भी हमें कंसिडर जरूर करना चाहिए। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आने वाले दिनों के, तो आने वाले दिनों के लिए मेरा ओपिनियन जरूर यहाँ पे पॉजिटिव मूव का एक्सपेक्टेड अपसाइड मूव जो हमें अराउंड 1355 के आसपास देखने मिले, उसको भी क्रॉस करते मूवमेंट हमें इजिली 1380 के आसपास जो देखने मिल सकती है। बाकी स्टॉक में ट्रेंड जिस तरह से मैंने कहा पॉजिटिव है, तो उसको आप जरूर यहाँ पे इंट्राडे में जो है बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। बाकी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पे आपको लेवल्स जो बता दी, इवन तो हमने रिसेंटली बताया था लेकिन वापस से मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट जो है डेटा में चेंजेस है। तो शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग करनी है तो 1372 के ऊपर अगर स्टॉक दो दिन तक सस्टेन करे तो वहाँ से आप जरूर बाइंग करें। वहाँ से आपको जो 5-10% का अपसाइड मूव जो है ईजिली आपको 10-15 ट्रेडिंग डेज के अंदर आते हुए देखने मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए करंट प्राइस में रेकमेंड नहीं कर रहा, मैं तो कहूँगा 1242 के आसपास आए तो जरूर वहाँ पे बाइंग करें। बहुत ही बढ़िया बाइंग लेवल है और यहाँ पे जो है आप 100% लेके तो भी कैपिटल ना डाले, 20-25% तक का ही आप कैपिटल डाले, बाकी आप कैपिटल आप होल्ड करके रखें। जब भी एडिशनल डाउनफॉल आपको 10-20% का देखने मिले तब आप वहाँ पे एडिशनल बाइंग करें। याद रखना एडिशनल बाइंग आपको हेल्प करेगा अपना बाइंग एवरेज प्राइस को जो कम करने में, और जितना बाइंग एवरेज प्राइस आपका लॉन्ग टर्म के लिए कम होगा उतना ही बढ़िया प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने मिलेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए तो नीचे हमने हमारा व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए 1 आर के चार्ट में बात करते हैं कल के दिन क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे 1 आर का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस यहाँ पे जरूर मार्क्ड है, तो फिलहाल हमें कोई मार्किंग्स करने की जरूरत नहीं। जूम करके मैं बात करूंगा इसके क्लोजिंग की। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो हो ऑन कर ले, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे 4 स्टॉक्स एनालाइज करके लाते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो है चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो क्लोजिंग की मैं बात करूँ 1337 के आसपास क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट आता है 1330 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आता है 1338 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है उसे हम कहते हैं नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस रेंज में अगर आपको स्टॉक घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया उसको आप जरूर देख ले, वहाँ पे हमने आपको हर एक चीज समझाई है। अब रही बात मेरे ओपिनियन, तो मेरा ओपिनियन कहने से पहले इंपॉर्टेंट 2 सपोर्ट जोन और 2 रेजिस्टेंस क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 1320 का, उसके बाद क्या 1308 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद क्या अगला रेजिस्टेंस आता है 1344 का, उसके बाद क्या आता है 1350 का। तो यहाँ पे मैंने जो 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस आपको बताया है जरूर जब उसी को कंसिडर में रखते हो जो अपना यहाँ पे कल के दिन का ट्रेड ले। अब रही बात मेरे ओपिनियन की स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए कहूँ, मेरा ओपन स्टॉक में यहाँ पे जरूर जो है एक पॉजिटिव क्लोजिंग का है यहाँ पे। लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग हमें देखेंगे तो थोड़ा सा फिर नीचे के साइड में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे 1330 से लेकर 1338 के रेंज में हमारी क्लोजिंग का एक्सपेक्टेशन है अगर गैप अप ओपनिंग हुई तो।
तो यहाँ पे जो है हमें फिर रिवर्सल देखने मिला और एक नेगेटिव साइड में क्लोजिंग देते हुए देखने मिला। अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग हुई तो स्टॉक हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग जो 1338 से लेकर 1344 के रेंज में हमें देते हुए देखने मिल सकता है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान में रखें, थोड़ा सा यहाँ पे जरूर एक पॉजिटिव साइड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस रेंज में ओवरऑल यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे। आपको क्या लगता है मंडे के दिन क्या हो सकता है वो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।